थोड़ा तू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ माय न्यू लुक। सो बहुत ही वियर्ड सा लग रहा है और आज हम कहीं पे जा रहे हैं। बहुत क्यूट लग रहा हूँ, बहुत ही क्यूट लग रहा हूँ। और मेरा भी देखो, ये नया वाला चश्मा, नया वाला, इसी को लाने के चक्कर में ये मुझे पहनना पड़ गया। तो एक्चुअली आज हम थोड़ा सा कहीं पर बाहर जा रहे हैं, कहीं पर मतलब पिंकू का एक दोस्त है तो उनका एक छोटा सा बेबी हुआ है कुछ दिनों पहले, तो आज जो है उसका मतलब नामकरण है मंदिर पे है, मतलब बहुत लिमिटेड लोगों के साथ, वो लोग ऑब्वियसली बच्चा है तो उन लोगों को भी मतलब ये है, हाँ पता है, तो बहुत लिमिटेड लोगों के साथ, बस क्लोज फ्रेंड के साथ वो लोग भी कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने कुर्ती भी पहना है और मैंने थोड़ा बहुत मेकअप भी किया था, तो जिसके चलते मुझे मतलब बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं ये पहन के जाऊं ताकि मेरा पूरा लुक खराब हो जाए, बट ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे कि पहनो पहनो पहनो। आज छोड़े पीछा ओके चलो। हाँ तो वही, और आज संडे है मैंने बोला ना, yes. था तो मैं पहले दिखा दू, अभी टाइम हो रहा है 12:30। हाँ तो अभी हम निकलने वाले हैं और मैं इनको बोल रही हूँ कि ये दिखा देंगे मतलब मेरा ड्रेस जो है कैसा लग रहा है इसके साथ। आई नो मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हूँ, फिर भी आप लोग बोलना कमेंट सेक्शन में, बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है, अगर आप लोग बोलोगे कि बुरी दिख रही है तो ये चश्मा पहनना बंद कर देगी, फिर से अंधी हो जाएगी और इतना बड़ा बड़ा उसके बाद चश्मा लगेगी। सो या ये है आज की मेरी आउटफिट, थोड़ा सा मतलब लॉन्ग वाला कुर्ती है और ये कुर्ती ना मैंने मतलब कब लिया था, आई थिंक मेरा बर्थडे के टाइम मैंने जो शॉपिंग करने गई थी तब मैंने लिया था और आज जाके मैं पहनी हूँ, मतलब लगभग 6 मंथ के बाद। तो अच्छा लग रहा है, तो बोलना आप लोग की कैसे लग रहा है, थोड़ा मॉडल टाइप का, थोड़ा पीछे हो जाओ आगे हो जाओ, हाँ दिखा दो, हाँ ठीक है अभी बस, तो चलिए फिर चलते हैं। ठीक है सब कुछ ठीक है, चले बहुत लेट हो रहा है, चले ओके, ये पकड़ो घर का की पकड़ो, वो डेटॉल पकड़ो, सैनिटाइजर हाँ। और आज मैंने उससे साथ मैच करके ये वाला इयररिंग्स एक छोटा सा वाला पहना है जो कि मुझे पिंकू ने दिया था फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी पे, और उसी तरह का एक वॉच भी पहना है जो कि इस आउटफिट के साथ मेरा जा रहा है, और ये एक ये भी ये वाला सिल्वर का ही है, ये भी मैंने पिंकू ने ही दिया था वही फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी पे, तो ये वाला एक हाथ में ही है सिंगल वाला, तो वही पहना है, और आज ये वाला एक नया वाला स्लीपर नहीं बोलते हैं, ठीक है, एथनिक चप्पल, एथनिक नहीं है, मुझे स्लीपर जैसा लगता है। और अभी ना मतलब हम निकल गए, पर हम अभी जो चिरंजीव भैया और भाभी है मतलब वो लोग भी हमारे साथ में ही जाएंगे, तो उन लोग को पिक करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मतलब हमारे तो फ्रेंड्स है बट उन लोगों का रिलेटिव्स है, मतलब वो लाइक दो बहन ही है, तो ऐसा ही, तो इसीलिए सोचे कि एक ही जगह पे जा रहे हैं तो साथ में ही जाएंगे, तो इसलिए अभी जा रहे हैं उनको पिक करेंगे और फिर निकलेंगे हम लोग एक साथ। और आज ना मतलब मैं थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूँ, खुशी भी हूँ, क्योंकि हम लोग आज मार्केट 99 जा रहे हैं, मतलब जो मंत्री मॉल वाला जो सबसे बड़ा वाला बैंगलोर का आई थिंक वो मार्केट 99 है, क्योंकि हम जहाँ पर जा रहे हैं वहीं से बस पास में ही है, तो मैंने सोचा चलो फिर संडे भी है टाइम का यूटिलाइज किया जाए, थोड़ा सा घूम के आ जाते हैं, तो बस वो तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट जगह है, तो देखवाऊंगी आप लोगों को भी, मतलब दिखाऊंगी खुद भी देख लूंगी क्या क्या, आई डोंट थिंक कि कोई भी नया स्टॉक आया होगा, बट लास्ट टाइम मैं गई थी मतलब लास्ट ईयर दिसंबर पे जो तब मैंने वीडियो शूट किया था एंड जनवरी पे मैंने उसको अपलोड किया था, तो उसी टाइम गई थी, तो लगभग 1 साल हो गया, तो उसके बाद अगर कुछ मैं भी नया स्टॉक आया होगा तो देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट। Driving, you're smiling, just really doing nothing. That's the thing I like about you. On the highway, it's our way, Route 66, and we keep on driving. We just do what we wanna do. Yeah, no, nothing's complicated. Playing songs on the radio, sing along to the words that we don't know how.
तो गाइज हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं और जो छोटू सा बेबी आप देख सकते हो वो यहाँ पर सो गया है, कितने क्यूट सा है। और अभी वो अपनी मासी के गोद में है तो आराम से सो रहा है। ये क्या बैंड है नंदू? अच्छा ये पापा है और उनका ये जो क्यूट सा बेबी वाइफ और भाभी यहाँ पर बैठी है। What's it like to be the one that he turns to when he's out of answers? What's it like to be the one that he comes to? देखिए यार वनेश भाभी आज आप क्या दिख रहे हो? कभी माशाल्लाह वही पूरे ब्लैक ड्रेस में ବଣ୍ଟି ତାହେଲେ କଣ ଚିକେନ ପତୁଆଟା ମଗଉଛ ନା କଣ ମଗଉଛ ସାଙ୍ଗରେ? ଆଚ୍ଛା ଅଛି, ମୁଁ ତ ମୋର ଅଲରେଡି ଅର୍ଡର କରିସାରିଛି ମଟନ। वहाँ पर काम जो है खत्म हो गया, लंच करके निकल आए हम लोग। अभी जा रहे हैं मार्केट 99। कितना टाइम लगेगा यहाँ से? आधा घंटा। आधा घंटा? सीरियसली मुझे लगा था 15-20 मिनट में पहुँच जाएंगे। और यहाँ पर है पीछे भैया और भाभी। ऊपर जाना है तो? हाँ। आज बहुत धूप है लेकिन। बहुत। मतलब जिस दिन आदमी घर से निकलते हैं मुझे लग रहा है उसी दिन धूप को आना होता है। ऐसे ही चलते रहो? हाँ हाँ। मतलब लिफ्ट में नहीं जाके ये चिरंजीव भाई का मतलब लिफ्ट में बहुत सारे लोग हैं, आज सारे जा रहे हैं। अच्छा अच्छा खाने के बाद ना? भाभी का गेटअप के साथ चलना है भैया। आप बहुत अच्छे दिख रहे हो भैया, बहुत अच्छा, खूब ब्यूटीफुल। भाभी ने पूरा बाल बाल बांध लिया सूज देखने के चक्कर में। हाँ बस भैया बोले नहीं तू दे दे मुझे, मैं ही पकड़ के खड़ा रहूंगा, मुझे सूट कर रहा है ज्यादा। मतलब उन दोनों का कंफ्यूजन चल रहा है कि कौन सा लें और कौन सा ना लें। भाभी वो भैया पे ज्यादा सूट कर रहा था वो मैं तो फाइनली गाइस यहाँ पर सामने है मार्केट 99, हम पहुँच गए हैं एंड आई एम रियली एक्साइटेड। पर देखते हैं कि कुछ मतलब नया वाला कलेक्शन है या नहीं, वो देखते हैं। पर यहाँ पर सामने पहुँच गए हैं, चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो फाइनली देख रही हूँ मैं, बट आई डोंट थिंक कि कुछ इतना खास कलेक्शन आया है अभी, जो लगभग था पहले वही सभी है। बस कुछ एक दो सामान जैसे ये बास्केट, तब मैं लास्ट टाइम जब आई थी ना फेवरिक वाला बास्केट ये नहीं था। ये बास्केट काफ़ी अच्छा है और ये कुछ आदि कंटेनर्स जो कि आप होम सेंटर पर या फिर कहीं पर आपको मिल जाएगा ऐसा डिज़ाइन वाला अच्छा कहीं पर आउटलेट पर, बट वो काफ़ी महंगा होता है। मतलब 500 से जो है स्टार्ट होता है एंड लगभग 1500 तक बड़ा साइज़ वाला उसका प्राइस जो है आता है, पर इसका प्राइस सिर्फ 229 है। और वैसे ही कुछ आदि बॉल्स वगैरह है वो सब का कलेक्शन कुछ अच्छा है और कुछ आदि कप्स का है, पर उतना मैं नहीं कहूँगी पूरा कलेक्शन अभी इन लोगों के पास नया है, बस वही थोड़ा बहुत बस एड ऑन हुआ है, बट जो पहले का कलेक्शन था वो अभी भी वही ही है। तो देख रही हूँ मैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं लूँगी, कुछ एक आदि लेके चली जाऊँगी। और भाभी भी कुछ देख रहे हैं अपने नए घर के लिए कुछ आदि सामान, देखते हैं क्या लेंगे और क्या नहीं।
ओके गाइस, सो आज है नेक्स्ट डे और यार रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो आज है नेक्स्ट डे और मतलब कल वहां से आने के बाद ना मतलब इतना मेरा हेडेक हुआ, मतलब हम दोनों का ही, पिंकू का भी और मेरा, इतना हेडेक हुआ मतलब, और ना हम बात करने की हालत में था और ना कुछ भी करने की हालत में थे शायद, आई थिंक मतलब लंच करने के बाद हम इंस्टेंटली वहां निकल गए थे, और कल बहुत गर्मी भी था तो शायद उसी चलते एसिडिटी होके आई थिंक वैसा हो रहा था, और फिर ना मतलब आने के बाद मतलब पूरा मुझे तो भूख लग रहा था, और मुझे पता है कि मेरा अगर एसिडिटी होगा तो मैं कुछ अगर नहीं खाऊंगी तो वो बढ़ जाएगा, जो गैस है वो निकलेगा नहीं, तो मैंने जैसे जैसे करके थोड़ा सा खा के मैं सो गई, और पिंकू को मैं बोला कि अरे आप भी खा लो, बट उन्होंने नहीं खाया, बोला कि मैं बाद में खा लूंगी बस, और फिर रात को वो खाए नहीं वैसे ही, और एक बार रात में मेरी नींद भी खुल गया था, फिर मैंने बोला आपने खा लिया, बट बोले कि नहीं नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर बाद मैं फिर से खा लूंगा, ऐसे करके उन्होंने बिल्कुल खाया भी नहीं रात भर। तो आज है नेक्स्ट डे, और फिर मतलब मैं सुबह उठने के बाद थोड़ा सा ना मुझे अच्छा लग रहा था लगभग, फिर मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया, और मतलब पिंकू को बोला था कि मैंने आप जाके थोड़ा सा ले आओ इडली जो है, क्योंकि बनाने की हालत पे मैं थी नहीं। फिर वो खाने के बाद थोड़ी देर बाद मैं बैठ के अपना जो एडिट कर रही थी, ये वाला जो व्लॉग एडिट कर रही थी, फिर उसके बाद मुझे लगभग 10 बजे फिर से हेडेक हुआ, तो 10 बजे के बाद इतना मुझे हेडेक, मतलब बस एक आई पे पेन हुआ है, लेफ्ट साइड आई पे, डोंट नो क्या है, और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो रही है, मतलब इस ग्लास के साथ भी और विदाउट ग्लास के साथ भी, मगर इसको पहन भी रही हूँ तो भी मुझे अजीब सा लग रहा है, हेडेक हो रहा है, और इसको मैं अगर नहीं भी पहन रही हूँ तो भी मुझे हेडेक हो रहा है, तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है अभी, तो देखेंगे 2-3 दिन में पहन के देखती हूँ फिर से, वरना हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे चेकअप करवाएंगे, और फिर से मुझे जो हेडेक हुआ तो फिर मैं 10 बजे सोई, सुपरा सो गई थी, 12:30 को मैं उठी हूँ, और फिर उठने के बाद वही ऐसा ही थोड़ा सा लंच बना के आज सिंपल सा ही हम लोगों ने खा लिया है, फिर उठने के बाद मुझे फिर से अच्छा लग रहा था, अभी अभी फिर से मतलब अभी ना ऑलमोस्ट टाइम जो है आज अभी 5 बज गया है, तो अभी फिर से मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा हेडेक अभी हो रहा है फिर से, जैसा मेरा सुबह स्टार्ट हुआ था उसी तरह से वैसे फिर से हो रहा है, तो देखते हैं क्या करेंगे, अगर फिर से वैसे होगा मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है, तो पिंकू ने बोला है कि अगर फिर से तुम्हें बहुत ज़्यादा हेडेक हो तो तुम मतलब व्लॉग 1-2 दिन बंद कर दो, ऐसा मतलब देखो मत, एडिट मत करो, तो अगर व्लॉग आगे नहीं आएगा तो आप लोग प्लीज़ समझ लेना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और वो सब तो मतलब तबीयत वगैरह ठीक नहीं है, ठीक है फिर मतलब अभी ये लोग का काम शुरू हो गया है, ऊपर तो काम चल ही रहा था, आज फिर हमारे वो पेडेस्टल वगैरह लगाने के लिए आएंगे, मतलब आएंगे क्या आ गए हैं सॉरी, अभी मतलब वो लोग बोल के गए थे 3 बजे के आएंगे, अभी 5 बजे आ गए हैं, और मतलब वो लगाएंगे, मतलब फिर वो जो वॉश बेसिन है ना उसको पूरा हटाएंगे, फिर से वहां पर फिक्स करेंगे, व्हाइट सीमेंट डालेंगे, तो अभी पूरा प्रॉपर दोनों बाथरूम में ही काम चलेगा, अभी 2-3 घंटा मुझे पता है वो लोग काम करेंगे, और काम करेंगे वो कुछ नहीं, उसके बाद पूरा गंदगी करके जाएंगे, एक तो मतलब एक तो मेरा तबीयत ठीक नहीं है, फिर से इन लोगों का काम, इस सब के चक्कर में भी मुझे और मेरा जो है ना मतलब सर दर्द बढ़ रहा है, तो बस क्या कर सकते हैं, पर गाइस तो वही फ्रेंड, चलिए साथ ही साथ आज की जो ये वाला व्लॉगिंग यहीं पे एंड भी मैं कर देती हूँ, होप करती हूँ कि अच्छा लगा तो लाइक कर देना, साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फिर मिलते हैं अगर मैं ठीक रहूंगी तो नेक्स्ट वीडियो के साथ, चिल्ड्रन टेक केयर एंड बाय बाय गाइस, बाय।